रविवार को गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में आजादी के 75वें वर्षगांठ एवं आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर भोजोबीर स्थित रामलीला मैदान से कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा सायं 3 बजे से निकाली गई। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ देव दीपावली महासभा के अध्यक्ष श्री वागीश दत्त मिश्रा ने किया। तिरंगा यात्रा भोजोबीर रामलीला मैदान से चलकर अर्दली बाजार गोलघर होते हुए अम्बेडकर पार्क पहुंचा। लगभग 75 की संख्या में गायत्री साधक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के गीत गाते एवं ओजस्वी व देश प्रेम से परिपूर्ण नारे लगाते हुए चल रहे थे। गायत्री साधक लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने घरों पर झंडा फहराने एवं 15 अगस्त को सुबह 9 बजे होने वाले सामूहिक राष्ट्रगान में भागीदारी करने का अनुरोध किए। अंत में कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचकर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा का मार्गदर्शन आध्यात्मिक संदेशवाहक श्री अनिलेश तिवारी ने किया। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में पंडित गंगाधर उपाध्याय, वागीश दत्त मिश्रा, अनिलेश तिवारी, घनश्याम राम, छेदीलाल वर्मा, कैलाश यादव, आकाश मिश्रा, राम भरोस यादव, विशाल अग्रहरी, सचिदानंद सिंह, शिवम पांडे, शीतल सिंह, श्वेता मिश्रा, सावित्री सिंह, गीता सिंह, राधिका मौर्य, रेणु सिंह, पूनम यादव, शशिकला गुप्ता एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। ये आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर हम सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज में हम सब ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आजादी बहुत ही कठिनाई से हम लोगों को मिली है और इस आजादी को अक्षुण बनाए रखना है, अपने देश को विकसित बनाना है और भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।